नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कोर इन्फो के प्लेटफॉर्म से मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि हज 2024 की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं और काबीना के सामने प्रपोज़ल पेश होने की तैयारियाँ मुकम्मल हैं, लेकिन इससे के साथ साथ वजारत ने अपनी साइड एक्टिविटीज़ को भी जारी रखा हुआ है, जिसके तनाजुर में मैं आपको बताता चलूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ हारमनी ने एक रिक्वेस्ट पुट की है अखबारात के थ्रू। उन्होंने प्रपोज़ल मांगा है मुख्तलिफ बैंकों से जो एप्लीकेशंस के हज 2024 में हिस्सा लेना चाहते हैं। नाज़रीन, जिसकी तफसील मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन अगर आप चैनल को लाइक करेंगे तो ये मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचेगी और ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुँचेगी। नाज़रीन, वज़ारत ने बैंकों से एप्लीकेशंस मांग ली हैं जो हज 2024 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। नाज़रीन, इसमें सबसे ज़्यादा जो बैंक पिछली दफ़ा सर फहरिस्त रहा, जिसने सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस हज कराम की गवर्नमेंट को सबमिट करवाईं, उसमें मिज़ान बैंक तमाम बैंकों पर लीड ले गया और सबसे आगे रहा। अभी जो प्रपोज़ल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स ने मांगा है, उसके तहत उन्होंने कहा है कि वो बैंक एलिजिबल है या वो बैंक क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है अगर उसकी 400 ब्रांचेस होंगी ऑल ओवर पाकिस्तान, वही बैंक जो है अपना प्रपोज़ल सबमिट कर सकता है, वो इस्लामिक बैंकिंग होनी चाहिए। नाज़रीन, उसके बाद बैंक के पास ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन स्टाफ भी होना चाहिए। नाज़रीन, इसका मतलब ये है कि हज 2024 की गवर्नमेंट ने तो तैयारियाँ शुरू कर दी हैं, तो क्या आप लोगों ने भी तैयारियाँ शुरू कर दी हैं? नाज़रीन, चले सब मिल के दुआ करते हैं कि इस दफ़ा हुजाज कराम जो हज पे जाने की ख्वाहिश रखते हैं उनको सआदत नसीब हो और उनकी इस हज में आने वाली जितनी भी मुश्किलात हैं उनमें आसानियां हों। आमीन कमेंट्स में ज़रूर आमीन कहिएगा, ताकि नाज़रीन कोई भी कबूलियत की घड़ी होती है तो उसमें किसी का भी कहा हुआ आमीन कबूल हो सकता है। नाज़रीन, मेरे चैनल को देखने वाले अनसब्सक्राइब्ड व्यूअर्स ज़्यादा हैं और सब्सक्राइब्ड कम हैं, तो नाज़रीन मेरी आपसे इल्तमास है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक और शेयर भी करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।